श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज के इस रवि सत्संग सभा के अंदर आप सभी हरि भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय स्वामी नारायण। हम सब घर बैठे ये सत्संग सभा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो आज के इस सत्संग सभा की शुरुआत हम भगवान की धुन प्रार्थना स्तुतिगान एवं कीर्तन से करते हैं। तो हम हमारे संगीतज्ञ हरि भक्तों से विनती करते हैं कि हमें आज के सत्संग सभा की शुरुआत के अंदर धुन प्रार्थना स्तुतिगान और कीर्तन का लाभ प्रदान करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामी नारायण 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 सब दो हाथ जोड़कर नैन मूंदकर प्रार्थना में जुड़ेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।
जय करुणा कर प्रगट हरिवर, जय करुणा कर प्रगट हरिवर। स्वामी नारायण भगवान वंदो, स्वामी नारायण भगवान वंदो, जय करुणा कर प्रगट हरिवर, जय करुणा कर प्रगट हरिवर। स्वामी नारायण भगवान बंधु, स्वामी नारायण भगवान बंधु। विष्णु विरंगे शिव सन कादिक, विष्णु विरंगे शिव सन कादिक, निस दिन जाका धरते ध्यान, निस दिन जाका धरते ध्यान। ऐसे अक्षर धाम के धामी, ऐसे अक्षर धाम के धामी। स्वामी नारायण भगवान वंदो, स्वामी नारायण भगवान वंदो। जय करुणा कर प्रगट हरिवर, जय करुणा कर प्रगट हरिवर। स्वामी नारायण भगवान बंधु, स्वामी नारायण भगवान बंधु। श्रुति स्मृति वेद वेद रूपे, श्रुति स्मृति वेद वेद रूपे, निरूपण करके गाते गान, निरूपण करके गाते गान। ऐसे अक्षर धाम के धामी, ऐसे अक्षर धाम के धामी। स्वामी नारायण भगवान वंदो, स्वामी नारायण भगवान वंदो। जय करुणा कर प्रगट हरिवर, जय करुणा कर प्रगट हरिवर। स्वामी नारायण भगवान बंधु, स्वामी नारायण भगवान बंधु। धर्म भक्ति से नर तनु धारी, धर्म भक्ति से नर तनु धारी, प्रगट भये खुद कृपा प्रगट भये खुद कृपानी धाम। ऐसे अक्षर धाम के धामी, ऐसे अक्षर धाम के धामी। स्वामी नारायण भगवान वंदो, स्वामी नारायण भगवान करुणा कर प्रगट हरिवर, जय करुणा कर प्रगट हरिवर। स्वामी नारायण भगवान बंधु, स्वामी नारायण भगवान बंधु, स्वामी नारायण भगवान। स्वामी नारायण भगवान।
अब हम सब समूह में स्तुति का गान करेंगे। श्रीमद् सद्गुणसारिणं चिरचिरे व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेताक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपम् नेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा ॐ सहनावस्तु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्रिषावहे ॐ शान्तिः 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 गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तम जनो जानं निदं सत्यं मुच्यते भववन्दना स्वामी नारायण भगवान की जय। गपद निद निदप गप ग सा गपद नि ने 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 सा दनि दप गप ग सा नि सा गे मान तजी संग
गुणादितानंद स्वामी ने अपनी एक बात के अंदर ऐसी बात कही है कि ऐसे संत के दर्शन से आंखों के पाप मिट जाते हैं, ऐसे संत की बातें सुनने से कान के पाप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे संत के मन में स्मरण करने से मन के पाप दूर हो जाते हैं। तो ऐसे पवित्र संत, ऐसे भगवत संत पूज्य महंत स्वामी जी महाराज हमें प्राप्त हुए हैं। तो आइए परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के हम वीडियो के माध्यम से दर्शन करते हैं और हम अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। प्रणाम।
प्रकट भए परम कृपा गति रहे सदावनी पर संतन में अविराम संतन में अविराम बाजे रे बाजे रे के डंका गाजे रे गाजे रे ये नौबत बाजे रे बाजे रे के डंका गाजे रे गाजे आज धर्म भक्ति ने द्वार के हरि प्रगटा पूरण काम आज धर्म भक्ति ने बाजे रे बाजे रे के डंका गाजे रे गाजे रे परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने परिवार की शांति के लिए जो 7 स्वर्णिम सूत्र दिए हैं, उसमें से 5वां सूत्र स्वामी जी कहते हैं, घर में किसी की भी भूल हो उसके प्रति उदार बने, भूल को भूलना सीखे, क्षमा करना सीखे। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज मोहन स्वामी महाराज के जीवन के अंदर यह हमें हमेशा देखने को मिला है कि वो किसी की भी भूल हो बड़ी सहजता से वो सामने वाले व्यक्ति को क्षमा कर सकते थे। अपनी भूल ना हो फिर भी वो क्षमा मांग सकते थे। ऐसा ही एक प्रसंग परम पूज्य मोहन स्वामी महाराज के जीवन में भी बना। आइए वो प्रसंग के हम भी साक्षी बनते हैं वीडियो के माध्यम से। क्षमा याचना। May 7, 2019, गांव कणाद, जिला सूरत। आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर नूतन शिखर बद्ध मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा था। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की उपस्थिति में मनाए जाने वाले इस उत्सव में 25,000 से भी अधिक भक्तों से सभा मंडप भर गया था, परंतु लगता था जैसे सूर्य को भी आज उत्सव में कुछ योगदान देने की अभिलाषा थी।
आज के दिन अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को छू रहा था। इसके बावजूद बड़े ही उमंग व हर्षोल्लास के साथ शिलान्यास महोत्सव संपन्न हुआ। सभा से विदाई लेते समय सहसा स्वामी श्री ने कुछ कहने की इच्छा व्यक्त की। हजारों की जनमेदनी के समक्ष स्वामी श्री बोले, तमे बधा पधारा छो, खूब गर्मी छे, बधाने परसेवाना रेला उतरे छे, एटले बधा माफ करजो। इस क्षमा याचना को सुनकर प्रत्येक व्यक्ति चकित रह गया। इतने बड़े उत्सव में स्वामी श्री मंच पर बैठे हुए हमारी असुविधा की चिंता कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी गलती ना होने के बावजूद उन्होंने माफी भी मांग ली। आज उपस्थित हर व्यक्ति सूर्य के प्रखर ताप में भी स्वामी श्री की करुणा वर्षा में शैत्य का अनुभव कर रहा था। सचमुच ऐसे अद्वितीय गुरुजी पाकर हम धन्य हुए हैं। स्वयं की महत्ता और गुरुता को भूलकर भक्तों की माफी मांगने वाले निर्माणी संत को कोटि कोटि वंदन। वंदनम 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 महंत स्वामी वंदनम, हे गुणातीत गुण निधि अभिवंदनम अभिवंदनम अभिवंदनम। स्वामी जी की इस क्षमा भावना को अब हम विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं, और साथ में ही हम हमारे जीवन के अंदर भी ये भावना को किस प्रकार से चरितार्थ कर सके, इसका मार्गदर्शन हम प्राप्त करते हैं पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी के वक्तव्य के द्वारा। हम पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी जी को निवेदन करते हैं कि हमें एक क्षमा भावना के ऊपर स्वामी जी के ये पाँचवें सूत्र के ऊपर विस्तृत रूप से मार्गदर्शन करें। गुणातीतोक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणादितानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। एक बार ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज गोंडल में विराजमान थे। दोपहर का समय था और उस समय वहाँ पर इतर संप्रदाय के दो संत आए। दोनों संतों को देखकर योगी जी महाराज एकदम खुश हो गए। दोनों का बड़े भाव से स्वागत किया। समय हो गया था, दोनों को भोजन कराया, सामने बैठकर भोजन कराया। योगी जी महाराज ने उनको आग्रह करके परोसवाया और भोजन करवाया। भोजन करने के बाद योगी जी महाराज ने उनसे पूछा कि आपको कोई मतलब आवश्यकता है। तब उन संतों ने बताया कि स्वामी जी, हमें काशी अभ्यास करने के लिए जाना है, तो अगर आप हमें कोई व्यवस्था कर दे। योगी जी महाराज ने हरिभक्तों से कहकर उनको पुस्तक के लिए पैसे दिलवाए, वहाँ जाने की व्यवस्था कर दी, और बड़े भाव से मतलब योगी जी महाराज उनके साथ बातें कर रहे थे। बाद में जब उन लोगों ने विदा ली तो योगी जी महाराज ने ठाकुर जी के प्रसाद के दो बड़े जो है टोकरी उनको दी
और बड़े भाव से उनको विदा दी। वे लोग चले गए। बाद में हरिभक्त ने योगी जी महाराज से पूछा कि स्वामी जी, लगता है आपके कोई मतलब बड़े स्नेही थे, आपके कोई मित्र थे। तब योगी जी महाराज ने कहा कि हमारी तो मित्रता जो है पुरानी थी। तब हरिभक्त ने पूछा कि स्वामी जी, कैसी मित्रता? तब योगी जी महाराज ने बताया कि इन लोगों ने एक बार हमें घूसे मारे थे। अब यहां पर जो है योगी जी महाराज बोल रहे हैं कि इन्होंने हमें घूसे मारे थे, ये कोई फरियाद के शब्द नहीं है, या तो ये कोई कटाक्ष ताने भी नहीं है कि आना पड़ा इन लोगों को, देखो समय सभी का आता है कभी ना कभी। लेकिन यहां पर एक विशिष्ट गुण ये हमारे सामने आता है, और ये जो गुण है, ये गुण है क्षमा का गुण। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने पारिवारिक एकता के लिए जो हमें सूत्र दिए हैं, इसमें वे बताते हैं कि घर में किसी की भी भूल हो उसके प्रति उदार बने, भूल को भूलना सीखे। अर्थात परिवार में किसी से भी किसी भी प्रकार की गलती हो जाए तो उसको हम माफ कर दे, क्षमा कर दे। वैसे तो हम जब मनुष्यों के स्वभाव की ओर देखते हैं तो मनुष्य मात्र का एक ही प्रकार का स्वभाव हमें ज़्यादातर दिखाई देता है कि जब भी कोई हमारा अपमान करता है या तो हमारा कुछ बिगाड़ता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारे सपनों को चूर चूर कर देता है, तब हमारे मन में सबसे पहली जो प्रतिक्रिया आती है वह है रिवेंज, बदले की भावना। ये मनुष्य मात्र का स्वभाव है। मार्टिन डेनली और मार्गो विल्सन नाम के दो बायोलॉजिस्ट, उन्होंने एक रिसर्च किया, उन्होंने 60 विभिन्न सोसाइटियों का रिसर्च किया, और वे जो है अपनी एक बुक होमिसाइड, इसमें जो है बताते हैं कि सभी संस्कृति के लोगों में एक बात सामान्य दिखाई देती है कि जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है तब वे जो है रिवेंज लेते हैं, ब्लड रिवेंज, यानी कि जो है रक्तरंजित रिवेंज की भावना जो है सभी के अंतर में दिखाई देती है, और उसके ही जो है ज़्यादातर प्रमाण मिलते हैं। तो ये जो है मनुष्य मात्र के मन की भावना है कि जब भी कोई हमारा कुछ बिगाड़ता है या तो हमने ही जो है कुछ ऐसा कर दिया हो, लेकिन उस समय जो है हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो है बड़े पुरुषों के जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने हमेशा सभी को माफ़ कर दिया है और वे जो है इसी दिशा में चले। हमारे मन में जो है सामान्य प्रकार से दो प्रकार की भावनाएं उठती है कि किसी ने जो है हमारा कुछ बिगाड़ा, या तो हमने कुछ अपने मन में तय करके रखा हो, इसके विपरीत किसी ने कर दिया, तो अगर हम समर्थ है तो हम जो है बदले का विचार करते हैं, उसे कुछ दिखा देने का विचार करते हैं, उसे कुछ जो है सजा करते हैं, मारते हैं। या तो अगर जो है हम समर्थ नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं और गुस्से को अपने अंदर ही जो है दबा कर रहते हैं और अपने आप को हीन समझने लगते हैं। परंतु ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज अपने अनुभव से बताते हैं, वे जो है बताते हैं कि क्षमा करने से अंतर में शांति होती है, आनंद के फव्वारे छूटते हैं। ये जो है हमने कभी सोचा ही नहीं है। हम हमेशा ऊपर जो बताई गई, पहले जो बताई गई इस प्रकार की प्रतिक्रिया को ही देखते हैं, लेकिन ये जो एक तीसरा रास्ता है, क्षमा का रास्ता, योगी जी महाराज बताते हैं कि क्षमा करने से हमारे अंतर में शांति होती है। हमारे साथ कोई भी परिस्थिति होती है तो हम परिस्थिति को कभी नहीं बदल सकते हैं, जो परिस्थिति हो गई वह जो है हो गई है, लेकिन हम अगर जो चाहे तो ये परिस्थिति की जो प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया को हम अवश्य बदल सकते हैं। मान लो कि हमारे घर में कोई मेहमान आए हैं, अब मेहमान क्या हमने जो है अपने बॉस को ही निमंत्रण दिया है अपने घर पर, अपने बॉस आए हैं, अब अपने बॉस ही अपने घर पर आने वाले हैं, तो हमने जो है पहले से ही सारी तैयारी करके रखी है कि उसको कैसे इम्प्रेस कर दे। मेहमान जो है घर में आ गए, बैठे हैं,
हमने अपने बेटे या तो बेटी को पहले से ही जो है समझा कर रखा है कि जब भी मैं बोलूँ तो ट्रे में जो है चाय के कप या तो फिर जो है कुछ ठंडा लेकर आना। हम जो है अपने बॉस को दिखाना चाहते हैं कि ये जो मेरा बेटा है वह भी जो है कितना सयाना है। मेहमान जो है बैठे हैं, अपने बेटे को हम कहते हैं बेटा है तो चंचल ही स्वभाव के छोटा है, वह जो है ट्रे में ग्लास या तो चाय के कप लेकर आता है लेकिन अपनी चंचलता की वजह से कुछ उतावली करता है और ट्रे में से एक ग्लास नीचे गिर जाता है और सारा जो है इसमें शरबत है या तो चाय है सब कुछ जो है बॉस के कपड़े के ऊपर गिरता है, कांच जो है ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है। अब जब ये घटना होती है तब वहां पर तो जो है हम हंसकर जो है बोल देते कि बच्चे है गलती हो जाती है लेकिन उस समय हमारे मन में कैसे विचार चलते हैं, या तो फिर जो है मेहमान के चले जाने के बाद हम क्या करते हैं, या तो जो है अपने बच्चों को डांटते हैं, कोई कोई अगर जो है पीटते भी है तो ये जो है एक घटना हो गई। बेटे ने जो है अपने मन में हमने जो है सपने बनाकर रखे थे कि बॉस के सामने जो है अपनी इंप्रेशन बना देंगे, ये अपने सपने को जो है चूर चूर कर दिया, ये घटना तो बन गई। अब ये जो हो गया वो तो हो गया, अब इसके बाद जो है या तो हम अपने मन में जो है दुखी होकर बैठे रहे, बच्चों को डांटे मारे कि ये जो है कब सुधरेगा, कब ये बड़ा होगा, और जब भी अपने बेटे को देखे तो इस बात को जो है सोचकर अपने मन में दुखी होते रहे, ये भी जो है एक प्रतिक्रिया होती है। और दूसरा जो रास्ता है योगी जी महाराज का जो रास्ता क्षमा का मार्ग, जो परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने बताया कि हम परिवार के सदस्यों की गलती को भूलना सीखे, ये जो मार्ग है ये मार्ग अगर हम ग्रहण करेंगे तो इसी से ही हमारे अंतर में शांति होगी, क्योंकि यही जो मार्ग है यही जो है शांति का मार्ग है। अब यहां पर जो है हमारे मन में विचार आता है कि अगर उस समय उसे हम सजा नहीं करेंगे, उसे कुछ जो है सीख नहीं देंगे तो वह जो है बदलेगा कैसे, अगर किसी को जो है बदलना है तो उसे सजा तो करनी ही पड़ती, गलती की है। लेकिन यहां पर भी जो है योगी जी महाराज ही हमें रास्ता दिखाते हैं। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज अटलादरा में विराजमान थे, अटलादरा मंदिर में जो है कई दिनों से वहां पर मंदिर के पास सभी भक्त अपने चप्पल निकालते थे, चप्पल की चोरी हो रही थी। हरि भक्तों ने सोचा कि ये बार बार चोरी हो रही है तो चोर को पकड़ना चाहिए, उन लोगों ने जो है वहां पर आयोजन करके चोर को पकड़ लिया और चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। चोर को पकड़कर उनको जो है कई लोगों ने थोड़ा पीटा भी होगा लेकिन इसमें जो है किसी ने कहा कि चलो इसको योगी जी महाराज के पास ले जाते हैं। योगी जी महाराज के पास ले जा रहे थे, रास्ते में हका बापू मिले। हका बापू ने पूछा क्या है, सभी ने बताया कि ऐसा है। हका बापू ने कहा कि आप जो है ये गलत कोर्ट में ले जा रहे हैं। चोर को योगी जी महाराज के सामने ले गए और किसी ने योगी जी महाराज को बताया कि स्वामी जी ये जो है चप्पल चोर है, आज तो हमने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। तब योगी जी महाराज ने कहा कि ये चोर हो ही नहीं सकते, तो मुक्त है, ये जो है कभी चोरी करेगा ही नहीं, इसे छोड़ दो। अब हरि भक्तों ने कोई गलत व्यक्ति को नहीं पकड़ा था, चोर ही था और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। उस समय जो है हमारे मन में आता है कि अगर इसकी चोरी छुड़वानी है, उसे ठीक करना है तो उसे तो जो है सजा देनी ही चाहिए, लेकिन योगी जी महाराज उसे जो है माफ कर देते हैं और योगी जी महाराज कहते हैं कि ये तो चोर है ही नहीं, इसने तो चोरी ही नहीं की है। और ये माफी की वजह से क्या हुआ कि जो चोर था उसके अंतर में जो है बड़ा पछतावा हुआ कि ये जो है कैसे संत है, और उसने सारे अपने गलत काम छोड़ दिए और सत्संगी बन गया। तो हम सोचते हैं कि लोगों को जो है अगर हमें बदलना है उसका तो जो है एक ही मार्ग है और वह मार्ग है कि उसे जो है क्षमा ना करके उसे जो है कुछ सजा करे।
लेकिन योगी जी महाराज ने यहाँ पर जो है हमें रास्ता दिखाया है कि अगर हमें व्यक्ति को किससे कुछ गलती हो गई और उसे अगर बदलना भी है तो उसके लिए भी सबसे श्रेष्ठ मार्ग है कि उसे हम माफ कर दें। एक जो है इस प्रकार का जो है रिसर्च किया गया है, क्योंकि कई बार जो है हम कोई जो है हमारे साथ कुछ गलत कर दे, धोखा कर दे, तो हम उसकी कोई जो है प्रतिक्रिया, उसे कोई सजा नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम जो है अपने अंतर में ही दुखी होकर बैठे रहते हैं, किसने से मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मुझे जो है मेरे साथ धोखा कर दिया, और ये बात जो है बार बार हम अपने मन में याद करते रहते हैं। एक जो है रिसर्च इस प्रकार का हुआ है कि ऐसे दुखपूर्ण वातावरण में जब हम लंबे अरसे तक रहते हैं तो इसका जो है हमारा मन एक भयंकर प्रतिक्रिया देता है। अब ऐसा जो है क्यों होता है? मान लो कि जो है किसी ने हमें मारा, एक हरिभक्त के साथ ही जो है ऐसा हुआ था कि वे स्कूटर लेकर जा रहे थे, अब रास्ते में कोई युवान जो है खेल रहे होंगे, तो इन्होंने जो है वहाँ पर इन लोगों को कहा कि रास्ते में मत खेले, कुछ जो है बाहर साइड में जाकर आप खेले, यहाँ पर जितने भी लोग निकल रहे परेशान हो रहे हैं। तो ये जो युवान लोग हैं सभी ने मिलकर उनको मारा, वहाँ पर वे अकेले थे, उनके सामने कुछ नहीं कर सकते थे, वहाँ से उनको जो है भाग कर निकल जाना पड़ा। अब ये जो है घटना हो गई, वहाँ पर वे कुछ नहीं कर सके। कई बार जो है कई लोगों के साथ ऐसा होता है। अब इस बात को जो है हम बार बार जब याद करते हैं तो क्या होता है कि हमने जो है फिजिकल रूप से तो जो है एक ही बार वहां पर जो है मार खाई या तो धोखा खाया है, लेकिन जब इस बात को हम बार बार अपने मन में याद करते हैं तो बार बार जो है वो जो घटना जो अनुभव है ये अनुभव को हम जी रहे हैं, और ये जो है अनुभव होता है मानसिक अनुभव हम जी रहे हैं, और इसकी जो है ये जो है साइकेट्रिस्ट लोग जो है वे बताते हैं कि हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे जीवन पर इसकी जो है भयंकर असर होती है। इसकी वजह से जो है बुरे सपने आने लगते हैं, इंटेंस फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस मतलब जो है पीड़ा की तीव्र अनुभूति होती है। कई लोग जो है धिक्कार की भावना को इतनी फिर जो है दृढ़ कर लेते हैं कि पूरे समाज को धिक्कारने लगते हैं, और कई लोग अपने आप को हीन मानने लगते हैं, लघुता ग्रंथि का अनुभव करने लगते हैं। परंतु इसमें जो है एक मार्ग है इससे बचने का, और वह मार्ग है क्षमा करना और भूल जाना। योगी जी महाराज 17-17 वर्ष तक एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जो प्रतिदिन उनको अपमान करते थे, प्रतिदिन उनको नीचे दिखाने की जो है प्रक्रिया में लगे रहते थे। कई बार तो योगी जी महाराज को मारते भी थे, परंतु योगी जी महाराज के जीवन में हम देखते हैं कि उनको कभी भी जो है दुख नहीं लगा है, या तो कभी भी जो है ये जो भी यहाँ पर हमने बातें देखी इसकी जो है असर, ये असर योगी जी महाराज के जीवन में नहीं हुई है, वे हमेशा आनंद में रहे हैं। तो ये जो है मार्ग है माफी का मार्ग, क्षमा का मार्ग। ये अगर हमने अपने जीवन में सुख और आनंद प्राप्त करना है तो इसके लिए जो है एक ही मार्ग है, और ये मार्ग है क्षमा का मार्ग। अगर वास्तव में जो है हम सुख और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो अब हमारे मन में होता है कि हम किसी को कैसे माफ करें, किसी ने हमको जो है गाली दी है, उसे हम भूल ही नहीं सकते हैं, जब भी उसे देखते हैं तब हम जो है वह याद आता है किसी ने मुझे जो है गाली दी थी, या तो किसी ने हमारे साथ कोई धोखा कर दिया है, हमारा जो है बड़ा नुकसान कर दिया है, हमारे विश्वास को तोड़ा है। अब जब भी उस व्यक्ति का नाम भी हमारे सामने आता है ना, तब ये सारी बातों को हम याद करते हैं, किसने मेरे साथ ऐसा किया, ये हुआ ये हुआ, तो हम जो है ये बात को कैसे भूल सके, ये बात को जो है कैसे माफ कर सके, इसका जो है उपाय क्या है? तो इसका जो है कई उपाय जो है बताए गए हैं। इसमें जो है सबसे पहली बात बताते हैं कि हम जो है यह विचार करें कि ये जो है
बदले का भावना मन में रखने से हमें हमेशा नुकसान ही होता है। अगर हम जो है उसे माफ करेंगे तो ही हम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर पाएंगे, दूसरा जो है कोई उपाय ही नहीं है। हमारे गुरु हरि मोहन स्वामी जी महाराज एक बात बार बार जो है बताते थे कि एक बार एक व्यक्ति को घुटने का दर्द हुआ, बहुत इलाज किए, बहुत डॉक्टर्स को बताए, लेकिन कोई जो है ठीक नहीं कर पाया। किसी ने कहा कि तुम जो है कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। वह जो है साइकेट्रिस्ट के पास गया, साइकेट्रिस्ट ने जो है पूरा देखा, फिर बाद में उसे पूछा कि तुम्हारा किसी के साथ मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ है? तब उसने बताया कि हाँ, मेरे भाई के साथ ही हुआ है। क्या हुआ था? तो उसने बताया कि मैंने मेरे भाई को $500 दिए थे, उसे ज़रूरत थी तो उसको जो है दिया था, लेकिन बाद में जब मैं उससे मांगने के लिए गया तब उसने कहा कि तुमने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है, और उसने वापस करने से जो है मना कर दिया। उससे जो है मेरी बड़ी जो है लड़ाई हो गई, और बाद में हमने जो है बोलना चलना भी जो है बंद कर दिया है, कोई व्यवहार नहीं रखते। तब साइकेट्रिस्ट ने कहा कि अगर घुटने का दर्द ठीक करना है तो जाकर अपने भाई से माफ़ी मांग लो। अभी तो जो है खड़ा हो गया कि कैसी बात कर रहे हो, मेरी तो कोई गलती नहीं, मैं जाकर उसे कैसे माफ़ी मांगू। तब साइकेट्रिस्ट ने कहा कि ये ही रास्ता है अगर ठीक करना है तो। वो तो जो है वहाँ से चला गया। दूसरे दिन जो है वापिस आए, क्योंकि दर्द इतना था कोई ठीक ही नहीं हो रहा था कि बोलो मैं क्या करूँ। तो साइकेट्रिस्ट ने फिर से जो है वही बात बताई कि जाकर अपने भाई से माफ़ी मांग लो। वह जो है वहाँ से सीधा अपने भाई के घर पर गया और दरवाज़ा खटखटाया। भाई ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, इसने जो है सीधा ही कहा कि आप जो है मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई थी, मैंने जो है आपको कोई पैसे दिए ही नहीं थे। और जैसे ही ये बताया तब भाई भी जो है सामने झुक गया और उसने भी जो है कहा कि नहीं नहीं, तुमने जो है मुझे पैसे दिए थे लेकिन मेरे मन में था कि वापस नहीं करना है। और दोनों भाई के जो है संबंध ठीक हो गए और थोड़े दिनों में उसके जो है घुटने का दर्द भी ठीक होने लगा और संपूर्ण ठीक हो गया एक महीने में। तो हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, इसमें अगर हमें सुख और शांति प्राप्त करनी है तो ये एक ही मार्ग है, माफ़ी का। हमारे गुरुओं के जीवन की ओर जब हम दृष्टि करते हैं, ये भी जो है एक बहुत बड़ा उपाय है। उन्होंने जो है हमें ये रास्ता दिखाया है। यहाँ पर जो है योगी जी महाराज की बातें हमने देखी, भगवान स्वामीनारायण से लेकर हमारी गुरु परंपरा में सभी के जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने जो है हमेशा माफ़ी का ही रास्ता अपनाया है। कई लोग शास्त्री जी महाराज को परेशान करते थे, बिना वजह परेशान करते थे। अब ये बात प्रमुख स्वामी जी महाराज जो है कई बार बताते थे कि अगर शास्त्री जी महाराज ने बदले की भावना से उनको जो है कुछ दिखाने के लिए कोर्ट में जो है गए होते, उन्होंने केसेस किए होते, तो आज जो है क्या होता, आज मेरे भाग्य में जो है कोर्ट के धक्के ही होते। लेकिन शास्त्री जी महाराज ने सभी को माफ ही कर दिया है तो आज जो है हम आनंद पूर्वक सत्संग कर रहे हैं। तो हमारे गुरुओं ने भी जो है हमें यही सिखाया है। हमारी परंपरा में जो हमारे सत्संगियों की परंपरा है, भक्तों की परंपरा है, उसमें भी हम देखते हैं कि उन्होंने भी जो है सभी को माफी किया है और हमें रास्ता भी दिखाया है। गुणादितानंद स्वामी के शिष्य जागा भक्त भगत जी महाराज के समकालीन थे। एक बार उनको गुणादितानंद स्वामी ने पूछा कि आप जो है मेरे साथ आने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप अगर मेरे साथ आओगे तो कई लोग जो है आपको दुख देंगे। तब वहां पर जागा भक्त बताते हैं कि ये बात तो जो है मैं मन पर लेता ही नहीं हूं, ये जो लोग ये जो इस प्रकार के जो दुख आते हैं इसमें जो है कुछ एक दुख मैंने ये जो है समाज के ऊपर छोड़ के रखा है कि समाज ही ऐसा है, कई लोगों के स्वभाव ही ऐसे होते हैं जो हमें दुख देंगे, कुछ एक दुख मैंने जो है ये अपने शरीर के ऊपर छोड़ के रखा है कि ये शरीर के जो है भाव ही ऐसे होते हैं, इसमें जो है सुख दुख आते रहते हैं, कुछ एक दुख मैंने जो है काल कर्म माया के ऊपर छोड़ के रखा है और कुछ जो है भगवान की इच्छा के ऊपर छोड़कर रखा है। तो ये समझ भी जो है हम अपने जीवन में दृढ़ करेंगे तो हम दूसरों को माफ़ कर सकेंगे।
भगवान स्वामीनारायण ने गढ़ा प्रथम प्रकरण के 61वें वचनामृत में बलि राजा की बात बताकर जो है कहा है कि भगवान हमें जैसे जैसे दुख देंगे वैसे वैसे वे अधिक हमारे वश हो गए। सब कुछ जो है करने वाले भगवान है, कोई भी जो है कुछ नहीं कर सकता है, तो भगवान ही जो है हमें सुख दुख दे रहे हैं और वे जितना दुख देंगे इतना जो है वे हमारे वश हो जाएंगे। तो ये भी जो है एक समझ है। भगवान स्वामीनारायण ने कार्याणी प्रकरण के 9वें वचनामृत में एक दूसरा विचार बताया है। वहां पर जो है स्वयं वे प्रश्न पूछते हैं कि कोई जो है भैंसे की तरह जो है रीस रख रहा है तो फिर जो है क्या है, उसे जो है साधु कहे कि ना कहे। और बाद में जो है वे बात बताते हैं कि इस प्रकार की जो है रीस, किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया, भैंसे की तरह रीस मतलब जो है भैंसा जो होता है उसकी याद शक्ति जो है ना बड़ी तेज होती है। पहले के समय में कई बार जो है संदेश व्यवहार के लिए जंगलों में भैंसे का उपयोग होता था क्योंकि वो जो है कोई भी स्थल को याद रख सकता था। तो ये भैंसा जो है भूल नहीं सकता है और उसके रीस भी जो है ये भूल नहीं सकता है। तो हम भी जो है इस तरह बातों को भूल नहीं सकते हैं, लेकिन ये बातों को भूलने का उपाय जो है बताया भगवान स्वामीनारायण ने उस वचनामृत में महिमा का विचार। योगी जी महाराज ने भी जो है यही बात बताई। एक बार योगी जी महाराज को जो है किसी ने फरियाद की किसी की वजह से कि स्वामी जी ये जो है ना बीड़ी पीता है। तब योगी जी महाराज ने बताया कि उन्होंने तो जो है शास्त्री जी महाराज के दर्शन किए थे, आपने किए हैं। अब यहाँ पर जो है हम देखें तो दोनों को कोई संबंध नहीं है, फरियाद कर रही कि तो बीड़ी पीता है और योगी जी महाराज कहते कि इन्होंने शास्त्री जी महाराज के दर्शन किए थे। लेकिन योगी जी महाराज ने जो है अपनी महिमा की दृष्टि इतनी बड़ी कर दी थी कि ऐसी जो है छोटी छोटी बातें जिसकी वजह से हम बड़े परेशान हो जाते हैं ये बातें उनको जो है मन में ही नहीं आती थी। तो ये जो है ये उपाय है। अगर इन उपायों को हम जो है अपने जीवन में अपनाएंगे, मुश्किल है लेकिन जो है इसका अभ्यास करके, क्योंकि जो है प्रमुख स्वामी जी महाराज ने वही बात बताई है कि दूसरों की भूल को भूलना सीखे, ये जो है हमें सीखना पड़ेगा कि उन्होंने जो है कैसे माफ किया है, कैसे जो है क्षमा का गुण अपने जीवन में अपनाया है। तो ये जो है बहुत महत्व की बात है। आज भगवान के चरणों में गुरुवरी प्रमुख स्वामी महाराज महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ये क्षमा का गुण हमारे जीवन में भी दृढ़ हो। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। सत्संग सभा में आगे बढ़ते हुए स्वामी जी ने परिवार के अंदर शांति बनी रहे इसके लिए जो छठा सूत्र दिया है, सहनशील व अनुकूल बने, सेवा करे, हठाग्रह छोड़े तो घर में एकता रहेगी। ये जीवन सूत्र को स्वामी जी के जीवन के माध्यम से ही हम समझने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी के जीवन के अंदर कई बार हमें देखने को मिला है कि वो हरि भक्तों की अनुकूलता के अनुसार वो अनुकूल हो जाते थे, उनकी बातों को सुनकर वो अपने आग्रह को छोड़ देते थे। आइए ऐसा ही एक प्रसंग स्वामी जी का परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन के अंदर भी बना, वो हम उनकी छवि कथा के द्वारा देखते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज भावनगर के वडवा नामक उपनगर में पधरावनी करते करते कपड़ों की दुकान योगी क्लॉथ सेंटर में पधारे। वहां दुकानदार हरिभक्त का 14 वर्षीय पुत्र नरेंद्र भी मौजूद था। नरेंद्र ने बाल सहज भाव से स्वामी श्री की गोद में कपड़ों का बंडल रखकर कहा, बापा आज आप भी कपड़ा काटो। स्वामी श्री कुछ सोचे उससे पहले तो उस बालक ने बापा के हाथ में कैंची भी थमा दी। सबको प्रसन्न करना ही जिनका निश्चय था, ऐसे स्वामी श्री बालक की इच्छा कैसे ठुकराते। स्वामी श्री ने बालक की ये इच्छा भी पूरी की। उसी दिन पधरावनियों के दौरान स्वामी श्री ने हरिभक्तों को प्रसन्न करने हेतु
दास भाई की दुकान पर नमकीन भी तोली, लाभू भाई की दुकान पर घी तोला और शिवा भाई के वहां हीरे तोले। मानो स्वामी श्री के हृदय में हरि भक्तों को प्रसन्न करने की ही रटना लगी रहती थी। जैसा आप कहें। प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो, संत परम हितकारी जय हो। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन के अंदर हमने ये देखा कि वो इतने बड़े गुरुपद पर होने के बाद भी किस प्रकार से वो हरिभक्तों के अनुकूलता के अनुसार अनुकूल हो जाते थे। यही जीवन भावना को जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में स्वामी जी की काया की छाया बनकर 40-40 वर्षों तक परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के साथ रहकर जिन्होंने देखा है, ऐसे परम पूज्य विवेक सागर स्वामी जी को, जो हमारी BAPS संस्था के वरिष्ठ संत भी है एवं सद्गुरुवर्य संत है, उनको हम नम्र निवेदन करते हैं कि स्वामी जी की इस जीवन भावना को हमें विस्तृत रूप से उनके आशीर्वचनों के द्वारा समझाए। गुणातीतोक्षरम ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम जनो जानन्निदं सत्यम मुच्यते भवबंधनात्। अंग्रेजी में कहावत है, मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समूह में रहना ये उसका स्वभाव है, लेकिन समूह में अपनी जो प्रकृति आदत वो उनको बहुत हैरान करती है तो उसमें क्लेश होता है, कुटुंब में शांति नहीं रहती है। इसलिए कुटुंब में एकता रहे और शांति रहे इसलिए हमारे में सहनशीलता होनी चाहिए, एक दूसरों को अनुकूल होना चाहिए, अपना जो मन पसंद है उसका त्याग करना भी सीखना चाहिए तो शांति रहेगी। अब देखिए कि एक घर में हम कमरे में बैठे हैं और किसी ने जो वात चक्र माने पंखा फैन शुरू कर दिया, दूसरे सभ्य को पसंद नहीं है, वो बोलेगा बंद करो, वो बोलेगा नहीं होगा और उसमें से कंकास होगा। अनुकूल कैसे होना, तो हम दूसरे कमरे में जाके पड़े या बैठे तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन हम उसको अनुकूल नहीं होंगे तो ज़रूर एक घर में क्लेश होगा ही। आप देखिए कि घर में जो रसोई बनती है और उसमें कभी ऐसे पूरी बनी और पूरी बनी तो बोलता है कि नहीं हमको तो ऐसे रोटी चाहिए, ये पूरी मुझे पसंद नहीं है, तो उसमें से भी एकदम झगड़ा होता है और क्लेश होता है। इसलिए हमें ज़रा ऐसा समझना चाहिए जैसे योगी जी महाराज बोलते थे कि जैसा तैसा जब तब ऐसे कहीं भी और जहाँ भी कहीं भी और कोई भी एक स्थल पर चला लेना चाहिए, जैसा कुछ स्थल ऐसा हो उनको अनुकूल हो जाना चाहिए, कोई भी भोजन हो उनको अनुकूल हो जाना चाहिए, वो सब नहीं होगा तो तकलीफ़ होगी। हम 1984 में जापान में गए थे और जापान में उस समय में हलवा बनाया था और किसी को गलती से जो शक्कर चीनी डालनी थी उसकी जगह नमक डाल दिया बहुत, और फिर तो क्या हुआ, भगवान को भोग लग गया, सब हो गया और प्रमुख स्वामी महाराज और हम सब भोजन के लिए बैठे और हमने तो ऐसा देखा थोड़ा, तो बगल में रख दिया। प्रमुख स्वामी तो जैसे रोज़ भोजन करते थे वैसे ही कर दिया। हमने स्वामी से पूछा, स्वामी इसमें शक्कर तो है नहीं, पूरा नमक है, आप वैसे ही चला दिए। उसने बोला कि देखो भगवान को भोग लगाया, वो भगवान कुछ नहीं बोले तो हमें फिर क्या बोलना है, और जैसा है ऐसा भगवान की इच्छा से ये भोजन करने का, तो ऐसी उनकी भावना रही। तो देखो ऐसी भावना जब कुटुंब में होती है तब शांति रहती है और उसमें कुछ झगड़ा नहीं होता है, वरना तो कहीं नमक ज़्यादा पड़ जाए दाल में और कुछ ऐसा हो तो झगड़ा हो शुरू जाता है। लेकिन समझना चाहिए कि कभी ऐसे ऐसी गलती हो सकती है, इसलिए ऐसा सोचना चाहिए। जैसे हमारे देखो जो परिवार की बात हम करने चले हैं, तो रामायण का राम परिवार एक आदर्श परिवार रहा। जब राम भगवान को कैकेयी के वचन से और युधिष्ठिर की आज्ञा से
वनवास में जाना पड़ा तो कुटुंब की कैसी भावना थी कि उनकी पत्नी वो भी उनके साथ तैयार हो गई। देखो वनवास तो केवल राम को ही था लेकिन अपने पति को सहयोग देना चाहिए इसलिए वो भी तैयार हो गई। तो ये वहाँ रामचंद्र भगवान ने कहा कि देखो वनम ही बहु दोषम, वन में तो बहुत मुश्किलियाँ होगी। लेकिन सीता जी बोलती हैं कि ये तव स्नेह न पुरस्कृतान तान सर्वान दोषान अहम साहिष्ये, कि आपका जो प्रेम है और भावना है तो मैं सब जो मुश्किलियाँ हैं उनको सहन कर दूंगी। तो देखे वो भावना। उस समय में लक्ष्मण को लगा कि भाई की सेवा में जाना चाहिए तो अपनी पत्नी को छोड़कर वो भी साथ में चले। और भरत को तो राज्य मिलता था लेकिन उन्होंने बोला कि मेरी माता ने तो गलती की है लेकिन मुझे गलती नहीं करनी है, ये राज्य तो राम का ही है। तो वो गद्दी पर बैठे ही नहीं, उस पर पादुका रखी और राज्य करने लगे। ऐसा वो लोगों ने कुटुंब में ऐसा एकता बनाई रही। और उस समय में जब रावण का संहार करके वापस आए तो उस समय में अपनी जो सब माताएं थी माने कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी, ये उनका सत्कार के लिए आई क्योंकि कैकेयी को पीछे से पश्चाताप हुआ था, वो भी आई थी। और उस समय में अपनी जो माता तो कौशल्या थी उनके पहले चरण स्पर्श नहीं किया, उन्होंने कैकेयी का चरण स्पर्श किया। कैकेयी जरा हट गई कि ये कैसा हुआ कि मुझे प्रणाम करते हैं, वो जरा क्षोभ प्राप्त करने लगी। उन्हें बोला नाना मामा माताजी आपकी कृपा से तो मैं बहुत सीखा हूँ और मुझे ये वनवास में बहुत जानना मिला इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो देखो ये परिवार, तो राम परिवार की बात हम समझते हैं कि कितनी अच्छी हुई। इतने कष्ट पड़े तो भी सीता जी ने ऐसा ही मांगा कि भूयो यथा में जननांतरेपि त्वमेव भर्ता न च अभिप्रयोग, राम ही मेरे जनन जन्म के पति हो। तो ऐसी बात ये उसमें होती है। कृष्ण परिवार में भी आप देखो कि कंस का जब श्री कृष्ण भगवान ने वध किया तो सबसे पहले वो अपने माता पिता को जेल में जाकर क्या माने बंदी खाना में उन्होंने चरण स्पर्श किया। तो देखो माता पिता पर इतना उन्होंने प्रेम बताया तो हमारे जो परिवार में माता पिता होते हैं, अपने माता पिता होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो उसमें एक परिवार की भावना रहनी चाहिए। और उसमें अपने जो हम छोटे थे तब हमारे जो माता पिता ने हमारी जो शरारतें सब ऐसे उन्होंने सहन कर ली थी, ऐसे वो जब बुढ़े होते हैं तो उनके भी स्वभाव को हमें सहन करना चाहिए तो शांति रहेगी। तुकाराम भी देखो उनकी पत्नी को भी बहुत घर में वो भी जरा उनको बहुत परेशान करती रहती थी लेकिन वो समाधान वृत्ति से उनके साथ रहते थे। और ऐसे वो संसार में बहुत प्रेम से वो रहते थे। तो वरना तो कहीं ऐसा बहुत नहीं होगा तो डिवोर्स की बातें आ जाती है। ऐसे देखो नरसिंह मेहता ने भी अपने फैमिली में ऐसा सोचा कि बस हमारे घर में जो कुछ सुविधा है उससे ही हमें ये सब चला लेना चाहिए, वो भी ऐसे सोचे। देखो हमें सहनशीलता का गुण बहुत बड़ा है ऐसा योगी जी महाराज बोलते थे। ऐसे अपने कुटुंब में तो जरूरी है लेकिन उनका हम जो सह प्राप्त कैसे करते हैं वो उपदेश, तो ऐसे हमारे गुरुजनों के जो जीवनी है उसमें से हमें ये उपदेश प्राप्त होता है। आप देखो कि भगवान स्वामीनारायण आनंद में गए थे और उस समय में जो दूसरे जो विरोधी लोग थे उन्होंने उनको बहुत उन पर जो कचरा डाला कूड़ा डाला और ऐसा बहुत अपमान किया लेकिन भगवान स्वामीनारायण ने सहन किया। तो सहन शक्ति से कैसा गुण आते हो, लोगों को पश्चाताप हुआ और फिर से वहाँ बुलाए और अच्छा स्वागत किया। जो सहन नहीं किया होता तो युद्ध भूमि हो जाती हो। और इसलिए समझते हम कि ये सत्संग भी एक परिवार है। जैसे आप लोगों का ये गृहस्थों का परिवार होता है ऐसे स्वामी जी समझते कि पूरा सत्संग ये हमारा ही परिवार है। तो उसमें भी भगवान और संत सब सहन करके हमको सिखाते हैं। हमारे गुणातीतानंद स्वामी वो भी ऐसे ही थे, वो भी मान अपमान को सहन कर लेते थे। सत्संग परिवार में रहना है तो ये सब सहन करने की जरूरत होती है। तो उन्होंने बहुत सहन किया, उनका अपमान भी हुआ था बड़ताल में तो भी वो उन्होंने मन में कुछ लिया नहीं। तो
उनका देखकर दूसरे लोगों को अच्छा लगा कि नहीं ये तो बहुत बड़े संत हैं, हमारी परंपरा में भगत जी महाराज उनको भी विष दिया था तो भी वो कुछ बोले नहीं और शांति से सत्संग प्रचार में जुटे रहे। तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत ऐसा प्रसंग होते रहते हैं, तो ऐसे संतों का जीवनी से भी हम कुछ सीखते हैं। आप देखें शास्त्री महाराज का भी ऐसा ही रहा, उन्होंने भी बहुत सहन किया है ये अक्षर पुरुषोत्तम उपासना को वो फैलाने के लिए। योगी जी महाराज के लिए तो ऐसा कहा जाता है कि टॉलरेंस दाई नहीं मी योगी जी महाराज, सो सहनशीलता की मूर्ति योगी जी महाराज। तो ऐसे हमारे परिवार में भी हमें ऐसा समझना चाहिए कि हमारे गुरु भी ऐसा सहन करते हैं तो हमारे घर में भी हमें सहन करके रहना चाहिए, अनुकूल होकर जाना चाहिए। क्योंकि आर्थर हेल्प्स बोलते हैं कि टॉलरेंस इज़ द ओनली रियल टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन, आप कितने संस्कारी है वो आप कितना सहन करते हैं उन पर आधारित है। इसलिए ये सब सहन करना, आप साथ में रहते हैं आपको जैसे आगे आना है तो ये सब सहन करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे मैंने बताया ना कि साधुओं का भी आश्रम है, वो भी एक साधुओं भी समूह में रहते हैं, उनका भी एक परिवार है और गुरु उनके आगे लाने के लिए उनकी बहुत परीक्षा भी कड़ी रह करते हैं और उसमें जो वो उत्तीर्ण हो जाए तो आगे बढ़ता है, लेकिन वो जो सहन नहीं करेगा तो कुछ आगे बढ़ेगा नहीं। अब देखो ऐसे जीवन में ऐसे प्रसंग आते ही रहते हैं। हमारे जो प्रमुख स्वामी महाराज 1974 में माने 1974 में बम्बई से नैरोबी गए एरोप्लेन में, और एरोप्लेन वहाँ लैंड हुआ नैरोबी की धरती पर, लेकिन कुछ राजकीय गड़बड़ी ऐसी हुई तो उसमें स्वामी जी को नीचे उतरने का मना कर दिया सारी पार्टी को, और वही एरोप्लेन में वापस आना पड़ा। ऐसा अपमान हुआ तो भी सहन कर लिया, जैसी भगवान की मर्जी। तो ऐसे हमें हमारे परिवार में भी कुछ अपमान का प्रसंग हो जाए, ऐसा हो जाए तो ऐसा सोचना चाहिए जैसी भगवान की मर्जी, एले बलि असी केवलम ईश्वर इच्छा, वो सबसे बड़ा समाधान है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए, इसलिए ये बात समझनी हमारे फैमिली में रहना है तो हम सम सुरत भाव और एकता से हम रहे तो फिर उसमें तकलीफ नहीं होगी, और जो नहीं होगा तो फिर तकलीफ हो जाएगी। इसलिए स्वामी जी तो बोलते हैं कि हमारे सदस्य में कोई हमारे साथ संप और एकता न रखे तो हमें रखना, वो न रखे तो कोई अर्जा नहीं, लेकिन हम रखेंगे तो उनको भी प्रेरणा एक अभी होगा। आप देखें कि घर में रहते हैं परिवार में एकता कैसे बनी रहती है कि हमारी मनपसंद चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती है, हमारी बातें मनपसंद। तो जैसे आप देखिए कि हम संसार में रहते हैं तो हम मोटर चलाते हैं रोड पर तो हमें बाईं ओर चलानी चाहिए, हमारा मनपसंद हम काम नहीं कर सकते हैं, हम तो दाईं ओर चलाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सरकारी चीज़ में भी अपना मनपसंद छोड़ना पड़ता है। तो आप देखिए कि हमारे घर में शांति बनाई रखने के लिए भी हमारा कुछ मनपसंद हो उसको छोड़ देना चाहिए, ऐसे ही हमें ख्याल रखना चाहिए। और उसके साथ आप देखिए कि ये अलग अलग प्रकार के कुटुंब में जो हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा, हमारा जीवन अच्छी तरह से नीति नियम में नहीं होगा, मनपसंद करेंगे हमारी मनमानी तो तकलीफ हो जाएगी। जैसे हमारे भगवान स्वामीनारायण ने हमारा नियम दिया है कि भी शराब नहीं पीना, मांसाहार नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना इत्यादि हमें कहा है, और लोगों को तो ऐसा बहुत पसंद आता है और कई कई ऐसे कुसंग से ये सब चीज़ें उनके जीवन में आ जाती है और उसको छोड़ना चाहिए। कुटुंब में शांति रखनी हो तो ये सब छोड़ना चाहिए। अब देखो व्यभिचार की भी एक बुरी आदत है और उसमें से क्या हुआ, 1980 से 2005 तक करीबन 4.5 करोड़ एड से मरे। एड से क्यों मरे, व्यभिचार, तो अपनी पत्नी है उनको छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाते हैं, उसमें से परिवार दुखी हो जाते हैं, इसलिए इसमें तकलीफ हो जाती है। तो उसमें अपना मनपसंद चीज़ें होती है, जैसे गुटखा खाने वाले को भी कैंसर हो जाता है, हमने एक राजकोट में एक केस देखा था और उस समय में हमने उनको बहुत कहा था ये लड़के को कि भी ये छोड़ दे, क्योंकि उनका भी एक 5 साल का लड़का था, उसकी पत्नी भी जवान थी, उनके पिता 80 साल के, उस कुछ माने अपना कुछ पढ़े लिखे बहुत नहीं थे तो वो कारोबारी लड़का ही चलाता था, लेकिन उनको आदत थी जो गुटखा की,
तो उसमें तो क्या हुआ कि फिर तो कुछ माना नहीं उन्होंने, और फिर दांत में कुछ दातुन में कुछ तकलीफ़ हुई और डॉक्टर के पास हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि आप कैंसर के चौथे स्टेज पर आ गए हैं और वो मर गया। आप देखिए कि ये कैसा हुआ, कुटुंब पूरा खलास हो गया ना, तो अपना मन पसंद चीज़ें होती है जैसे गुटखा फुटका, वो सब छोड़ना चाहिए। और अंत में एक बात होती है कि हमें जीवन में माने सरल होना चाहिए, जो हम सरल नहीं होंगे तो भी फैमिली में बहुत मुश्किली आ जा सकती है, इसलिए ये हमें सरल होना चाहिए। जैसे प्रमुख स्वामी महाराज का एक प्रसंग था कि जब वो महसाणा में थे और उस समय में उनका एक जन्मदिन का महोत्सव था, बहुत बड़ी संख्या में हरिभक्त उपस्थित हुए थे, और उस समय में ऐसा एक नियम था कि दो दो की माने पंक्ति में लोग आके अंत में माने प्रवचनों के बाद स्वामी के चरण स्पर्श करने के लिए आए। तो उस समय में कार्यकर लोगों ने सोचा कि भाई दो दो आएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, स्वामी का भोजन बहुत माने ऐसा लेट हो जाएगा, इसलिए चार चार रखे तो क्या। तो स्वामी की तो बहुत इच्छा थी कि दो ही आए, क्योंकि सबको अच्छी तरह से मिल सके, उनकी आंखों में आंख हम लगा सके और सबको बहुत आनंद हो जाए और सबका ऐसा भाव पूर्ण हो, इसलिए स्वामी ने भी दो रखो ना। लेकिन कार्य स्वामी के स्वास्थ्य के अनुकूलता के लिए कार्यकरों ने आग्रहपूर्वक कहा कि नहीं चार ही रखेंगे, अपना ऐसा ही रखना चाहिए। तो फिर स्वामी ने सोचा कि देखो भाई हम भी हमारा मनपसंद छोड़ते हैं, चार रखो। और उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि जो हमारे सत्संग परिवार में हमें ऐसे ही समझना चाहिए कि हमारा मनमानी कुछ नहीं करना, जैसे जो कार्यकर कहे ऐसे ही हमें करना। तो स्वामी ने छोड़ दिया अपना आग्रह। तो देखो ये हमको सिखाते हैं, क्यों जीवन से सिखाते हैं, तो घर में भी ज़रा ऐसे ही रहने की हमें ज़रा ऐसा होना चाहिए तो कुछ तकलीफ़ नहीं होगी। अब देखो परिवार में ऐसे जो बूढ़े होते हैं उनको ज़रा ऐसा स्वभाव होता है कि माने टक टक बोलते हैं ना, कि बस ऐसी ऐसी कोई बेफजूल बातें करते रहते हैं, और फिजूल बातें ऐसा वो लोगों का जीवन होता है। तो उनको भी समझना चाहिए कि हमें शांति से घर में रहना चाहिए, अनुकूल रहना चाहिए, हमारा जो भजन भक्ति और हमारा जो कार्य है उसमें हमें रहना चाहिए, वो नहीं होगा तो उनको भी तकलीफ़ होगी। इसलिए पारिवारिक एकता के लिए ये सब बातें हमने सुनी कि हमें थोड़ी सहनशीलता चाहिए, हमारी मनपसंद माने है वो बातें उनको छोड़नी चाहिए, और सबके साथ अनुकूलता रखनी चाहिए, माने प्रेम से सबके साथ जो मिलजुल कर रहेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हमारा कुटुंब अच्छा चलेगा। इसलिए सत्संगी का और जो सज्जनों का जो फैमिली है उसमें ऐसी शांति बनती है, ऐसे माने ये मैंने तीन बातें बताई, ऐसे बातें जीवन में हमारी दृढ़ हो जाए तो हमें कहीं भी कोई भी जगह पर कहीं भी तकलीफ नहीं होगी। हमारा जो परिवार है वो एकदम शांत स्वभाव वाला हो जाएगा। और इसके उपाय के लिए सब मिलके शाम को साथ में बैठकर रात को जो घर सभा करेंगे तो उससे भी बहुत फायदा एक पारिवारिक एकता में बनेगा। तो ऐसा बल और शक्ति हमें भगवान और गुरु परंपरा, जो हमारे महंत स्वामी तक की गुरु परंपरा है, अभी हमारे साथ वर्तमान कालिक महंत स्वामी हैं, तो उनको हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे कुटुंब में हमारे परिवार में एकता बनी रहे। स्वामीनारायण भगवान की जय। हम पूज्य विवेक सागर स्वामी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर ये स्वामी जी के छठे सूत्र का हमें मार्गदर्शन किया, और सारंगपुर में बैठे बैठे उन्होंने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित किया। अभी ये विश्व के अंदर ये कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, ये आपत्ति आई हुई है, ऐसी कई सारी आपत्ति हमारे घरों के अंदर हमारे जीवन के अंदर भी आती है, लेकिन ये सारी आपत्तियों के अंदर ये मुश्किलों के अंदर हमें कौन सी समझ को हमारे जीवन के अंदर अपनाना है, किस प्रकार से हमें हमारा जीवन व्यतीत करना है, व्यापन करना है, उसके ऊपर बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन, बहुत ही सुंदर आशीर्वचन परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने दिए हैं। वो आशीर्वचनों का हम लाभ प्राप्त करते हैं वीडियो के माध्यम से।
અંતરમાં ટાઢું રહ્યા કરે એને માટેના બે ઉપાય બતાવે છે. આપણે ટાઢું કરવું છે, બધાએ ટાઢું કરવું છે. આપણે ટાઢું કરવા માટે જ આવ્યા છે કે ટાઢું કરવાનું એટલે એર પેલી શું એર કન્ડિશનમાં બેસીએ તો ટાઢું થઈ જ જાય. ભાઈ એ ટાઢું છે, ક્ષણિક છે. પણ અંદરનું જે ટાઢું કરવાનું એની વાત સ્વામી સમજાય કે એક તો ભગવાનનું ભજન કરવું, બીજું ભગવાન સર્વ કરતા સમજવા. જે કંઈ આવે સુખ દુઃખ આવે સર્વ ભેળું, તેમાં રાખ જેવો સ્થિરમતી જાળવીશ મારા જનને અતિશય જતન કરી. એટલે સ્વામી કહે છે સુખ ને દુઃખ બે આવશે, એ બેની અંદર સ્થિરમતી રાખવાની છે. ભગવાન તરફ ભગવાન સામે તમે હંમેશા દ્રષ્ટિ રાખો તો એ બધી અપડાઉન બધું એની માટે થયા કરીને ચાલ્યા કરે, અનાધિકારથી ચાલ્યું છે. પણ એની સહનશક્તિ કરવાની, એ ક્ષમાની જે શક્તિ આપણને મળે, એની સત્સંગ હોય તો ધીરજ રહે, બળ રહે, હિંમત રહે, આશ્વાસન મળે અને આપણે આગળ વધી શકીએ, એની અંદરથી બહાર નીકળી શકીએ. એમાં માણસ મૂંઝીને મરી ના જાય, આપઘાત ના કરે. પણ માણસને ટેન્શન આવે તાર અવરા ઉપાય કરે, આ બધા ઉપાય નથી એના. ટેન્શનની અંદર તો આપણે તીકડે ધીરજ રાખી, બળ રાખી, ભગવાનની પ્રાર્થના આરાધના કરો અને બીજા ખર્ચા આપણે ઓછા કરો. આવક ઘટી છે અને પછી જાવક ક્યાંથી કરવી, એટલે એનો વિચાર તરત કરો. ભાઈ આપણી આવક નથી, આ તો જાવકમાં આપણે ખોટો તો ટેન્શન વધવાનું છે. કહું છું તો પૈસા નથી, મહેનત અરે નોકરી નથી, ધંધો નથી, પછી તમે બારમાં જઈને બેસો તો એ તો ટેન્શન તો વધવાનું છે. ટેન્શન વધે છે, આ ટેન્શન આપણે જો ન વધારવું હોય તો આ રસ્તો છે. એટલા માટે સ્વામી કહ્યું ભગવાન કરતાં સમજીને ધીરજ રાખીને કામ કરું, ભજન કરું, ભગવાનની પ્રાર્થના કરી, ભગવાન આપણું કંઈ પણ રસ્તો સુધારશે. ભગવાનની વાત દયાળુ છે, ગમે તે રસ્તો આપણે સુધારે. સંતોનો સમાગમ કરો, ગ્રંથોનું વાંચન કરો, એટલે આપણે આ શાંતિ માટેના ઉપાય છે મહારાજ સ્વામી બતાવ્યા છે. એટલે ભજન કરવું, શાંતિ રાખવું, એમાં સુખ આવે તો સુખ ભોગવી, દુઃખ આવે તો દુઃખ ભોગવું, બે વસ્તુ ભોગવી લેવાનું છે. પણ ધીરજ બળ રાખશો તો દુઃખ પણ જશે અને સુખ પણ થશે. એમ આપણે પણ આવો સત્સંગ ખરેખર મળ્યો છે, આવા મહારાજ સ્વામીનો આશરો થયો છે, જોગી મહારાજ જેવા ગુરુ મળ્યા છે, આ સત્સંગ મળ્યો છે, તેને સાચવીને આપણે અખંડ ભજન કરવું, મહારાજ સર્વને સુખ્યા કરે એ જ પ્રાર્થના. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને જો આશીર્વચન હમે દીએ વો હમારે જીવન કે અંદર દૃઢ હો, ઓર સાથ મેં અભી વિશ્વ કે અંદર આઈ હુઈ યે કોરોના વાયરસ કી મહામારી જલ્દ સે જલ્દ દૂર હો ઓર પૂરે વિશ્વ મેં પુનઃ શાંતિ કા સ્થાપન હો, ઇસીલીએ અબ હમ સબ સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર કી ધૂન મેં જુડતે હૈ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, 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 સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ 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 નારાયણ, સ્વામી નારાયણ
अब समय है भगवान की आरती का। हम सब अपने घरों के अंदर बैठकर आरती प्रज्वलित करेंगे और हम सब साथ में भगवान की आरती के अंदर जुड़ते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। जिस प्रकार से आज हमने ये सत्संग सभा का लाभ प्राप्त किया, उसी प्रकार से अगले रविवार को भी जीवन प्रसारण के माध्यम से हम फिर से सत्संग के अंदर ये सत्संग का लाभ प्राप्त करेंगे। अब सत्संग के अंत में हम ध्येय मंत्र एवं विदाई श्लोक का गान करेंगे
और सत्संग की पूर्णाहुति करेंगे। हम सब दो हाथ जोड़कर ये ध्येय मंत्र और विदाय श्लोक में जुड़ते हैं। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मन विभाव्य दास भावेन स्वामी नारायणं भजे श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं श्रीस्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिं।